क्या आपको पता है एक शख्स जिन्होंने अपनी ही माँ को मार दिया था और हम आज भी उनको पूछते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो खुद एक अमर है, जो खुद विष्णु के छठवें अवतार कहलाते हैं। भगवान शिव ने खुद प्रसन्न होकर उनको अपना परशु ही दे दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परशुराम जी की, जिनका नाम तो राम है लेकिन महादेव ने जो प्रसन्न होकर उनको परशु दिया था, इसी कारण उनको कहा जाता है परशुराम। परशार्थ का जो राम है वही परशुराम। उनकी माता का नाम था रेणुका माता, जिन्हें स्वयं इंद्र के वरदान से ही परशुराम की प्राप्ति हुई थी। तो हुआ यह था कि जब परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि ऋषि रेणुका यानी परशुराम की माताजी को जल लाने के लिए भेज दिया था, लेकिन रेणुका माता पानी लाते वक्त एक क्षत्रिय राजा को स्नान करते देख मोहित हो चुके थे। पर ये सारा घटनाक्रम जो था जमदग्नि ऋषि अपनी दूरदृष्टि से देख रहे थे, इसी कारण उन्होंने जब रेणुका माता प्रवेश कर चुकी थी अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी कि अपनी माँ को मार दो, पर उन्होंने मातृ प्रेम के कारण मार ना सके। और उसी कारण उनके चारों बेटे उनकी आज्ञा का मान न रख सके। उसी वक्त उनके सबसे छोटे बेटे परशुराम जी आ जाते और उन्होंने हालात की गंभीरता को समझते हुए अपनी ही माँ और अपने चारों भाइयों को मार दिया। यह देखकर परशुराम के पिता ने प्रसन्नता से पूछा, कहो पुत्र तुम्हें क्या वरदान चाहिए। परशुराम ने चतुराई से अपने माँ और चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने का और यह घटना उन्हें याद न रहे ऐसा वरदान मांग लिया।